अगर आप भी हेडरेस्ट को सिर्फ आराम के रूप में जानते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। जैसे सीट बेल्ट और एयरबैग हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं, वैसे ही हेडरेस्ट हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो चलिए देखते हैं कि हेडरेस्ट हमारे लिए कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, ज़्यादातर लोग कार से ही सफ़र करते हैं और कार में लगे एसेसरीज का कुछ ना कुछ उपयोग ज़रूर होता है, लेकिन लोग उसे अनदेखा करते हैं या फिर लोग उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। तो जानते हैं कार के सीट पर लगे हेडरेस्ट का सही इस्तेमाल। दरअसल हेडरेस्ट का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के दौरान यात्रियों को गर्दन की चोट से बचाने के लिए होता है। जब भी हमारी कार दूसरे कार से टकराती है तो इसका खतरा सबसे ज्यादा हमारे गर्दन को होता है, चाहे कार आगे से टकराई हो या पीछे से। तो ऐसे वक्त हेडरेस्ट हमारे गर्दन का बचाव करने के लिए कारगर साबित है। अगर कार के सीट पर हेडरेस्ट ना हो तो फिर हमारी गर्दन बिल्कुल पीछे की ओर जाएगी और कोई सहारा न मिलने से गर्दन की हड्डी टूट सकती है या तो गंभीर चोट लगने का जबरदस्त जोखिम उठाना पड़ता है। दोस्तों, खास बात यह है कि हेडरेस्ट का उपयोग आपातकाल स्थितियों में भी होता है। ज्यादातर कार को सेंट्रल लॉक होते हैं। दुर्घटना की स्थिति में या आग लगने से कार के सेंट्रल लॉक काम करना बंद कर देते हैं और सारे दरवाजे खिड़कियां लॉक हो जाते हैं। तो इसी समय खुद का बचाव करने के लिए हेडरेस्ट निकालने की सुविधा होती है। इससे कांच को तोड़ने में मदद होती है और कार के शीशे अंदर से तोड़ने पर आसानी से टूट जाते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।